अस्सलाम वालेकुम टू माय ऑल यूट्यूब व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। तो आज की वीडियो का हमारा टॉपिक जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच। आज हम ग्रामर का जो लेक्चर पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है? वर्ड्स विच आर included in the formation of sentence। एक न्यू हम लोगों ने पढ़ा वर्ड क्या होता है और सेंटेंस क्या होता है। इसके बारे में मैं आपको अलहदा से एक वीडियो में समझाऊंगी, ठीक है, डिटेल के साथ। वर्ड्स अल्फाज को कहते हैं, सेंटेंस जुमले को कहते हैं। अभी आप अपने माइंड में यही रख लें। पार्ट्स ऑफ स्पीच जो एक जुमला बनता है ना, वो किस किन किन चीज़ों के साथ मिलकर बनता है। हम लोग छोटी छोटी सेंटेंसेस बोलते हैं, हाउ आर यू, ठीक है। तो इस ये किन किन चीज़ों के साथ मिलकर बनता है, छोटी छोटी से हम लोग जो अपनी स्पीच में बोलते हैं जुमले, वो कैसे बनते हैं सेंटेंसेस। पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने हैं देखते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच पहला नाउन, ठीक है, दूसरा प्रोनाउन, तीसरा वर्ब, फोर्थ वन एडवर्ब, फाइव है एडजेक्टिव, सिक्स आर्टिकल, सेवन प्रपोजिशन, एट। आपको समझ लग रही है? अभी तो सिर्फ मैं नेम लिख रही हूँ कि टोटल पार्ट्स ऑफ स्पीच होते कितने हैं, ठीक है। एट क्या है? कंजक्शन। ये हम लोग एक एक टॉपिक पर अलहदा से वीडियो बनाएंगे और डिटेल के साथ मैं आपको समझाऊंगी। और लास्ट है इंटरजेक्शन। ये हम लोगों ने पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ लिए। इसके बाद हम लोगों ने वर्ड के बारे में थोड़े से पढ़ लें। पार्ट्स ऑफ स्पीच जो हम लोगों ने पीछे पढ़े हैं, नेम, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, आर्टिकल, प्रपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। अब ये नौ है ना, तो इनको हम लोग दो ग्रुप्स में डिवाइड कर देंगे। कौन कौन से दो ग्रुप्स में? वर्ड, कंटेंट वर्ड और स्ट्रक्चरल वर्ड। कंटेंट वर्ड कौन से होते हैं? नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब। ये कौन से हैं? कंटेंट। स्ट्रक्चरल वर्ड कौन से होते हैं? प्रोनाउन, हेल्पिंग वर्ब, आर्टिकल, प्रपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बात, जरा गौर से देखें। हम लोगों ने नाइन पार्ट्स ऑफ स्पीच देखे, फिर हम लोगों ने जो नाइन पार्ट्स ऑफ स्पीच थे ना, उनको दो ग्रुप्स में ऐड कर दिया। वर्ड है किस में? एक में कंटेंट में और एक स्ट्रक्चरल। अब पढ़ते हैं आगे आगे, जरा देखें। जो ये है ना, नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, ये
अनलिमिटेड इन नंबर, फर्स्ट अनलिमिटेड होते हैं, अनलिमिटेड इन नंबर, ये अनलिमिटेड होते हैं। सेकंड, ये दीज प्रोवाइड मेन इंफॉर्मेशन, प्रोवाइड मेन इंफॉर्मेशन, ये हमें मेन इंफॉर्मेशन देते हैं। आगे जब हम अलग अलग नाउन की, वर्ब की, एडजेक्टिव की, एडवर्ब की, ये सारी एक्सरसाइजेस करेंगे ना, तब आपको पता चलेगा। लेकिन अभी आपने ये बात माइंड में रखनी है, कंटेंट वर्ड और स्ट्रक्चरल वर्ड कौन से होते हैं, इनको हम लोगों ने दो ग्रुप्स में ऐड कर दिया। और ये नाउन वर्ब अनलिमिटेड होते हैं, प्रोवाइड मेन इंफॉर्मेशन, और इसके अलावा मोस्टली, ये मोस्टली पॉलीसिलेबल होते हैं। अब पॉलीसिलेबल क्या होता है, इसके ऊपर भी आपको वीडियो मिल जाएगी। वर्ड्स और ओपन कैटेगरी, मतलब बेशुमार होते हैं, ओपन कैटेगरी होती है इनकी। नाउन बेशुमार है, वर्ब बेशुमार है, एडजेक्टिव बेशुमार है, ठीक है, हम इन्हें काउंट नहीं कर सकते, अनलिमिटेड है। और ये जो प्रोनाउन है, आर्टिकल है, प्रेपोजिशन है, ये क्या है, लिमिटेड है। एक तो ये लिमिटेड है, दूसरा दे हैव देयर रूल ऑफ ग्रामेटिक स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस, दे हैव देयर रूल इन ग्रामेटिक, आगे यहां देख लेते हैं, ग्रामेटिक स्ट्रक्चर ग्रामेटिक स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस, ऑफ द सेंटेंस। एक और पॉइंट है, मोस्टली ये क्या था, पॉलीसिलेबल, ठीक है, और ये क्या होगा, मोस्टली मोनोसिलेबल। ठीक है, और क्लोज्ड कैटेगरी, मतलब बहुत कम इनकी कैटेगरी होती है, ठीक है। ये एक दफा फिर से देखने आप लोग कि हम लोगों ने क्या पढ़ा, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप लोग। पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़े हैं हम लोगों ने, 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच थे। उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा, क्या पढ़ा, वर्ड्स थी, वर्ड्स की दो कैटेगरी थी, कौन कौन सी कैटेगरी थी, कंटेंट वर्ड्स, स्ट्रक्चर वर्ड्स, ठीक है, और ये लिमिटेड थे, ये अनलिमिटेड थे, ये लिमिटेड थे, प्रोवाइड मेन इंफॉर्मेशन, और ये ग्रामेटिक रूल्स थे इनके, मोस्टली पॉलीसिलेबल, और ये क्या था, मोनोसिलेबल। समझ लग रही है, ये ओपन कैटेगरी थी, मतलब बेशुमार थे, हम लोग गिन नहीं सकते, और वो क्लोज्ड कैटेगरी है, मतलब हम लोग उन्हें गिन सकते हैं। समझ लगी, आगे चलते हैं। इसके बाद है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, अब हम पढ़ते हैं नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है, थोड़ा बहुत आज इनका क्लू देखेंगे, और इनके ऊपर ब्रीफ लेक्चर जो है कल से एक एक टॉपिक पर, ठीक है, हम लोग लेक्चर डालेंगे। आगे हैं, पहला है नाउन, नाउन क्या होता है, अच्छा नाउन होता है, हम लोगों ने नाउन की डेफिनेशन पढ़ी हुई है ना, उर्दू में भी बता देती हूँ आपको, ताकि आपके लिए ज्यादा आसानी हो, जिसमें नाम, जगह और चीज का नाम आ जाए, वो क्या होता है, नाउन, आम चीज जगह का, मतलब चेयर है वो क्या है, नाउन। मैं थोड़ी सी एग्जांपल्स के साथ आपको समझा रही हूँ, पहचान करवा रही हूँ कि नाउन ये होता है, प्रोनाउन क्या होता है। नाउन चेयर, पेन,
बैट, ये सारी आम चीजें हैं। और वो क्या होगा? नाउन। हम लोग टेबल है अपने घरों में देखते हैं, वो क्या है? नाउन है। आगे बॉक्स, गर्ल, बॉय, ये क्या है? नाउन। उसके बाद नाउन के बाद प्रोनाउन देखते हैं। प्रोनाउन किसे कहते हैं? प्रोनाउन इसमें आई, वुई, यू, ही, शी, इट, दे, हु, विच। आपको समझ लग रही है? अभी सिर्फ मैं आपको आज एग्जांपल्स बता रही हूँ। नाउन की पहचान कहाँ से होती है? आम चीजों के नाम बताए होते हैं, ठीक है। और प्रोनाउन की पहचान कहाँ से होती है? जब आई, वुई, यू सेंटेंस में आएंगे तो वो हमें क्या बताएंगे? कि ये प्रोनाउन है, ठीक है। इनकी तादाद, मतलब इनकी तादाद ज्यादा से ज्यादा 30 से 40 के दरमियान होती है, ज्यादा नहीं होते। प्रोनाउन हम लोगों ने पढ़ा था ना पीछे, प्रोनाउन किसमें आ रहे हैं? मतलब ये लिमिटेड है, प्रोनाउन इसमें आ रहा है स्ट्रक्चर वर्ड में। प्रोनाउन लिमिटेड है, इसलिए कितने होंगे प्रोनाउन? 30 से 40, ये भी आपने ख्याल रखना है। आगे देखते हैं वर्ब, देखते हैं वर्ब। वर्ब वर्ब की दो कैटेगरीज हैं, कौन कौन सी? एक हेल्पिंग वर्ब वर्ब और एक मेन वर्ब। ये हेल्पिंग और ये मेन वर्ब। हेल्पिंग कौन कौन से होते हैं? इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, विल, शैल। शैल, शैल के बाद आ जाता है कैन, ईटीसी। और मेन वर्ब कौन कौन से हैं? गो, कम, सिट, सी, लुक, इस तरह की और भी काफी ज्यादा, ठीक है, मेन वर्ब। आगे देखते हैं एडजेक्टिव। वर्ब कितने हो सकते हैं? 25 to 30, ज्यादा से ज्यादा वर्ब इतने ही हो सकते हैं। आगे देखते हैं एडजेक्टिव। एडजेक्टिव कौन कौन से होते हैं? गुड, मतलब एडजेक्टिव होता है गुड, बैड, मतलब कोई सिफत बयान करना, ठीक है, किसी की तारीफ वगैरह करना। उस तारीफ हम लोग करते जैसे ब्यूटीफुल, ठीक है, तो इस तरह के एडजेक्टिव की पहचान होती है। ब्यूटीफुल, होनेस्ट, फेथफुल, ये क्या एडजेक्टिव हो गए इस तरह। आगे भी इसके बाद एडवर्ब, एडवर्ब की पहचान कैसे होती है वो देखते हैं। एडवर्ब कौन कौन से होते हैं? वेल, क्विकली, रेगुलरली, स्विफ्टली। एडवर्ब के बाद ये आप देख लें, नाउन, प्रोनाउन, ये हम लोगों ने सारी पढ़ ली। आगे एडवर्ब, आगे हम लोग देखते हैं आर्टिकल। आर्टिकल कौन कौन से होते हैं? आर्टिकल कितने होते हैं? आई थिंक ज्यादातर लोगों को पता होगा आर्टिकल 3 होते हैं, आ,
एंड दा तो पाकिस्तानियों को बहुत सारा गाना आता है। चले जो कि सही, तो ये वो वाला दा नहीं है, दी भी हो सकता है। और दा इसके बाद आर्टिकल के बाद थोड़े से रह गए हैं। प्रेपोजिशन, मैंने सिर्फ मजाक में बात की है, सीरियस नहीं लीजिएगा। तो इन प्रेपोजिशन कौन सी होती है? इन, ऑन, एट, ऑफ, फॉर, फ्रॉम, बाय, इट्स। प्रपोजिशन 50 तक होंगी, ठीक है? हाँ, 50 मतलब ये मैं नंबरिंग ये बता रही हूँ कि आपको प्रोनाउन आप 30 से 40 याद कर ले काफी है, 25 से 30 याद कर ले काफी है, इस तरह प्रेपोजिशन आप 50 याद कर ले काफी है। आगे कंजक्शन, ये क्या कौन कौन सी होती हैं? एंड, बट, येट, ये वाया, येट, सो, और इटीसी। ये कितनी होंगी? 35 से 40 कंजक्शन। इसके बाद लास्ट है इंटरजेक्शन। वो कौन कौन सी होती हैं? हुरे, खुशी का इजहार करना, गम का इजहार करना, हुरे, अलास, ओ, आ, ब्रावो, इटीसी। ये कितनी होंगी? 20 से 25 तक। देखते हैं, आज का लेक्चर यहीं मुकम्मल करते हैं। आई थिंक काफी लंबी वीडियो हो गई है, तो यहीं पर मुकम्मल करते हैं। आज हम लोगों ने क्या पढ़ा? पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़े हैं, कितने होते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। उसके बाद हम लोगों ने वर्ड्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया, कौन कौन सी, और ये अनलिमिटेड होते हैं। ये हम लोगों ने थोड़ी सी पहचान की इनकी, नाउन क्या होते हैं, प्रोनाउन क्या होते हैं, ये सारा कुछ हम लोगों ने पढ़ा। उसके बाद प्रेपोजिशन देखी, कंजक्शन देखा, इंटरजेक्शन देखा। तो आई होप इस वीडियो से आप लोगों का बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा और बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे। तो मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। मैं जो है मैं क्या कहने लगी थी, चले ठीक है, अपनी दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा, मैं भी आपको याद रखूँगी। इसके साथ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।